नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे कोलकाता के बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला प्रदेश में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि उधम सिंह नगर में 30 जुलाई को एक नर्स लापता हो गई थी, जिसका शव 8 अगस्त को यूपी में मिला। महिला नर्स का शव मिलने से दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों में विरोध है। डॉक्टरों ने विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला है, जिसमें कोलकाता की डॉक्टर और उधम सिंह नगर की नर्स को श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं डॉक्टरों ने अब सरकार और अस्पताल से अपनी सुरक्षा की भी मांग की है और आज एक दिन की पूर्ण रूप से हड़ताल की घोषणा भी की है। आपने भी देखा होगा कि एक कोलकाता में जो हुआ है पीड़ितों के साथ, जिसकी निर्मम हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि कुछ रेप का भी है। इसके बाद आप देखिए कि सिर्फ वहाँ ही नहीं रुक रही है, अपने उत्तराखंड में भी देखिए। अभी आपने देखा कि नर्सिंग स्टाफ की थी फीमेल, जिसकी डेड बॉडी 10 दिन बाद मिली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और इसी चीज़ को लेकर के हमारा आक्रोश है कि हमें चाहिए सेफ्टी। अगर हम किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं तो हमें भी तो कोई गारंटी चाहिए पीछे से। हम चाह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। कुछ मांगे हमारी हैं जो हमने अपने पत्र बनाए हुए हैं, घोषणा पत्र, उसमें हमारी सारी मांगे रखी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने इस पर चिंताजनक बयान भी दिया है। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा को देखते हुए हमने प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस सभी कामकाजी महिलाओं से अपील करती है कि गोरा देवी ऐप का इस्तेमाल किया जाए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा का समाधान किया जा सके। देखिए, ये घटना हुई थी रुद्रपुर पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए। इसमें जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये घटना बहुत ही दुखद है, क्योंकि मेरे ख्याल में गुमशुदगी एक दर्ज कराई गई थी 31 तारीख को, और उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका खुलासा भी कर लिया और जो संलिप्त व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी कर लिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा की का जहाँ तक प्रश्न है, एक तो इसको कोलकाता से न देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रे इंसिडेंट है। मैं आपको आंकड़े के जरिए ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे आईपीसी के केसेस हैं 17-18 हज़ार के आसपास, इसमें करीब 4 हज़ार के आसपास जो है क्राइम अगेंस्ट वुमन है, तो जो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी आबादी महिलाओं की है उसके हिसाब से बहुत बड़ा फिगर नहीं है। हम लोग एक शांतिप्रिय राज्य हैं और यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई इस तरह की बात नहीं। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद सारे डॉक्टर्स में आक्रोश है, जिसके चलते यमुना घाटी के नौगांव में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान डॉक्टरों ने बताया है कि शनिवार को पूरे राज्य में ओपीडी बंद रहेगी। साथ ही उनकी मांग है कि अस्पताल में काम करने का सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए, जिसके लिए एक सशक्त कानून भी बनाया जाए और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उचित न्याय दिया जाए। हम यहाँ पर यमुना वैली के डॉक्टर्स यहाँ पर सीएससी नौगांव से हमने पीसफुल कैंडल मार्च किया है नौगांव चौराहे तक, और इसमें हम जो अभी हमारी डॉक्टर्स थी आरजी मेडिकल कॉलेज की जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थी टीवी चेस्ट में, शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड किल्ड। हम चाहते हैं कि जो जिस बंदे को भी उन्होंने पकड़ा है उस पर प्रॉपर कार्रवाई हो, और कुछ इसमें साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं। इतना जघन्य अपराध एक आदमी तो नहीं कर सकता। शी वॉज ब्रूटली गैंग रेप्ड एंड किल्ड। इससे हमें हमारे अस्पताल में हमें सुरक्षा की भावना पैदा होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी फीमेल स्टाफ होती हैं, नाइट ड्यूटी करती हैं, कई बार उनके साथ रात को जो बाहर से असामाजिक तत्व आते हैं और रात को पी के आते हैं। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि जो वहाँ पर कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ है, फ्यूचर में हमारे अस्पतालों में जो फीमेल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ फ्यूचर में ऐसी कोई अपराध न हो। बिना किसी हंगामे के एक शांतिपूर्ण मार्च, कैंडल मार्च निकालें, जो कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ही बहुत ही यंग लड़की के साथ ड्यूटी के दौरान दुराचार और अनाचार के बाद बहुत ही निर्मम हत्या की गई है, और उसका अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकला है। सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है,
जबकि ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से गैंग रेप हुआ है और गैंग रेप के बाद उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसी इसमें कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम सभी जितने भी हम लोग मेल फीमेल ड्यूटी के दौरान जो असुरक्षा की भावना इससे और ज़्यादा पैदा हो रही है और होती रहेगी, तो सरकार से हमारी पूरी पुरजोर मांग है कि इसके लिए बहुत ही बेहतर और मजबूत कानून लाया जाए कि आइंदा ऐसी कोई हरकत और दुराचार। कोलकाता में हुई डॉक्टर के साथ दरिंदगी को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऋषिकेश सहित कई जगहों पर उत्तराखंड में भी जूनियर डॉक्टर्स ने इसका विरोध किया है, लेकिन बात सिर्फ कोलकाता की नहीं है। कहते हैं एक समय था कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित यहाँ की शांतवादियों में अपराध का ग्राफ ना के बराबर था, लेकिन बदलते दौर में अब ये ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है और ममता बनर्जी सरकार बोल रही है कि ये सुसाइड है, वो एंगल देना चाह रही है। पहला बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई दरिंदगी की नहीं है, उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर में जो हुआ वो भी दरिंदगी है। नर्स रुद्रपुर के निजी हॉस्पिटल में नौकरी करती, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि 30 जुलाई को नर्स हॉस्पिटल से लौटते समय उत्तर प्रदेश के बिलासपुर जिले के डिबडबा क्षेत्र में जाती हुई सीसीटीवी में दिखाई दी थी। इसके बाद नर्स की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें लगाई गई। एक नर्स के साथ लूटपाट करते हुए रेप कर मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया। इधर विपक्ष से लेकर सरकार पर सियासी हमला बोल रहा है। उधम सिंह नगर में आपने देखा जिस तरीके से एक महिला नर्स को जो है जघन्य तरीके से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, और राजधानी के एक प्रतिष्ठित संस्थान में महिला बाथरूम में हिडन कैमरा मिल रहा है, तो ये चल क्या रहा है? आखिर पुलिस प्रशासन आग मूंदे क्यों बैठा हुआ है और अपराधी खुलेआम अपराधों को अंजाम दे रहे हैं? पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर देश भर में बेटियां सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही, जिस पर आरोपों की राजनीति भी हो रही, और इन सब के बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी हैरान करने वाली खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक नोएडा की एक महिला अधिवक्ता परिवार के साथ खाना खाने के लिए चक्राता रोड स्थित आनंदम रेस्टोरेंट पहुंची। आरोप है कि जब वो बाथरूम गई तो वहां पर सफाई कर्मी मौजूद था। अन्य लड़कियां भी बाथरूम गई तो कर्मचारी अंदर बाहर कर रहा था, जिसे देखकर वो अचंभित हो गए। बाद में शक होने पर हंगामा शुरू हो गया और मामला पुलिस तक पहुंचा। देहरादून के चक्राता रोड स्थित आनंदम रेस्टोरेंट के बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ था। थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में वहां पर कोई जो महिला वॉशरूम है वहां पर कोई कैमरा या कोई डिवाइस लगे होने की बात की सस्पेक्ट पर, और वहां पर फिर जो वहां पर फैमिली और जो मित्रगण उनके गए थे उनके द्वारा जब वहां पर इसकी शिकायत वहां के प्रबंधन और जो वहां मैनेजर देखते हैं उनको की गई और पुलिस को भी की गई। जब पुलिस द्वारा वहां पर पहुंचकर जांच की गई तो वहां पर जो वॉशरूम है उसमें जो ऊपर की फॉल्स सीलिंग है वो कहीं ना कहीं कटी थोड़ी पाई गई, लेकिन वहां पर ऐसी कोई डिवाइस उस दौरान वहां नहीं मिली थी। लेकिन पुलिस द्वारा चूंकि प्रकरण संवेदनशील था और बहुत ही गंभीर विषय था तो शिकायत जो वहां पर दी गई थी उस शिकायत के आधार पर 77 BNS में मुकदमा तत्काल दर्ज कर लिया गया था। देहरादून में प्रतिष्ठित संस्थान आनंदम रेस्टोरेंट के बाथरूम में हिडन कैमरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि आनंदम एक प्रतिष्ठित ब्रांड और देहरादून में उसके कई आउटलेट संचालित हो रहे, लेकिन इस प्रकार से महिला की रिकॉर्डिंग होना जघन्य अपराध। इधर BJP का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP देहरादून अजय सिंह के सख्त निर्देश पर कैंट पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। वह रेस्टोरेंट के बाथरूम में छिपाए गए मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी कब्जे में ले ली गई। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आनंदम के कई संस्थान राजधानी देहरादून में है और एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, अगर उसके महिला बाथरूम में हिडन कैमरा मिला है तो ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है और इस तरीके से अगर उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर कब जो है महिला अपराधों पर इस प्रदेश में लगाम लगेगी? आप NCRB की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, 9 हिमालयी राज्यों में हम महिला अपराधों में पहले पायदान पे हैं।
ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बेटियों के साथ यहाँ बलात्कार या अन्य अपराधों की घटनाएं ना हो। प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट आनंदम रेस्टोरेंट जैसी जगह पर और वो हिडन कैमरा नहीं, किसी व्यक्ति ने वहाँ पर, वहाँ के ही रेस्टोरेंट के किसी व्यक्ति ने वहाँ पर मोबाइल में कैमरा ऑन करके छुपा के रखा था। क्योंकि हिडन कैमरा अगर लगा होता तो इससे पहले जिस प्रकार से पुलिस हर जगह रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में छापेमारी करती रहती है उसमें वो निश्चित रूप से आ जाता। लेकिन वो उसी समय फोन को रख के किया गया था, कैमरे को ऑन करके, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको हटा भी लिया गया। लेकिन इस मामले में संजीदगी बरतते हुए हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी ने भी इस पे एक्शन लेने की बात करी है और एसएसपी देहरादून ने भी इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके विरुद्ध, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन और गंभीर है। साल 2022 में उत्तराखंड में महिला अपराध का ग्राफ 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंचा। एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में महिला अपराध के 3431 मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में ये संख्या बढ़कर 4337 तक पहुंच गई, यानी एक साल में 906 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। महिला अपराधों पर लगाम लगाना पुलिस के लिए चुनौती भरा साबित हो रहा है। ये हम नहीं बल्कि पिछले 5 महीने के महिला अपराध के आंकड़े कह रहे हैं। कुमाऊं मंडल में महिला अपराध के मामले में उधम सिंह नगर जिला पहले नंबर पर और नैनीताल जिला दूसरे नंबर पर है। पूरे कुमाऊं में 1 जनवरी से 31 मई तक महिला अपराध के 660 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, पहला रिएक्शन क्या आया? सुसाइड है। आपने बोल दिया कि ये सुसाइड है, उसके फादर मदर को फोन करके बोला सुसाइड है। जब हॉस्पिटल के सारे बच्चे, हॉस्पिटल के लोग खड़े होकर बोले क्या बोल रहे हैं, ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है, और ममता बनर्जी सरकार बोल रही है कि ये सुसाइड है, वो एंगल देना चाह रही है पहला। कोलकाता में नर्स की रेप के बाद हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन सब के बीच ये भी जानना जरूरी है कि अपने देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ही मौजूदा स्थिति ये है कि देश में हर 16 मिनट में कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ रेप हो जाता है। हर घंटे में देश में कहीं ना कहीं 51 मामले महिलाओं से अपराध के सामने आ जाते हैं। 3 साल के अंदर देश में प्रति घंटे महिलाओं से अपराध के 9 मामले बढ़ चुके हैं। इस प्रकार की घटना देखने में आई, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें चापलूसी नहीं चलेगी, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और सख्त निर्णय लेने चाहिए। इस प्रकार की जो घटनाएं समाज के लिए सही नहीं है। समाज में डर का माहौल है, महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो उनको सुरक्षित महसूस करने के लिए माहौल भी सरकार को ऐसा देना पड़ेगा। पुख्ता तौर पर तो नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 58% महिलाओं ने कहा है कि वो असुरक्षित महसूस करती है। 52% महिलाएं कहती हैं कि उन्हें रात में अकेले चलने में डर लगता है। 46% महिलाएं देश में काम करने के दौरान या काम पर जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। 29% महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ सहनी पड़ती और 75% ने इसकी कभी कहीं डर की वजह से शिकायत तक नहीं की। महिला अपराध को लेकर सभी राज्यों के अलग अलग आंकड़े, लेकिन ये कहने में कोई परेशानी नहीं कि आज के समय में भी महिलाएं ना तो गली मोहल्लों में ना ही सड़कों पर सुरक्षित महसूस करती। 15 अगस्त को देश ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें पीएम मोदी ने भी लाल किले से महिला अपराध को लेकर बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि आज भी देश की बेटियां आजाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून में रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की थी। इस दौरान सीएम ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसे लेकर सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। उत्तराखंड के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण आज सभी नौकरियों में सुनिश्चित हो गया है। चेक वितरण कराएंगे और आपके द्वारा सर ये घोषणाएं। देहरादून में रक्षाबंधन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का अधिकार दिया गया है। हमने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, उद्यमता और नौकरियों में तक में प्रदेश की जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भागीदारी अधिक से अधिक हो, उसके लिए हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए। आप सबको पता है क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए मैं जरूर आप सबको केवल स्मरण दिलाने के लिए कि
उस समय हमारे सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी जब हमारा 30% का आरक्षण रुक गया था और उसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया और हमने जो पैरवी करी उस पैरवी में कहा कि यहाँ हमारी माताओं को हमारी बहनों को किस प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उनके जीवन में कितने प्रकार की चुनौतियां हैं, वो सामान्य से ज्यादा चुनौतियां उनके जीवन में होती हैं, इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए उत्तराखंड के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण आज सभी नौकरियों में सुनिश्चित हो गया है। महिलाओं से सीएम धामी ने कहा कि जब उत्तराखंड में मातृशक्ति को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ तो सभी जिलों में महिलाओं का सैलाब दिखा और बड़ी बात है कि सभी जगहों पर महिलाओं ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए, जिसे देखने के बाद कहा जा सकता है मल्टीनेशनल कंपनियों से बेहतर पैकिंग के लिए बेहतर क्वालिटी के थे। सभी जिलों में 13 के 13 जिलों में अपनी जो बहनें हैं महिलाओं के बीच में जाकर मातृशक्ति बंधन के जो कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे, मैं सभी जनपदों में गया और मुझे शुरू में लगता था नैनीताल जनपद से जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो कितने हजारों की संख्या में, मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास की संख्या थी और मैंने उत्तराखंड के अंदर महिलाओं का कोई इस प्रकार का कार्यक्रम, कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो कोई हुआ हो उसमें अलग बात है आना, कोई रैली हो रही हो उसमें आना अलग बात है, लेकिन मातृशक्ति बंधन के इस उत्सव के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या मैंने पहली बार देखी और मुझे लगा कि नैनीताल जनपद का कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम है और अब लगता है कि जितने भी कार्यक्रम होंगे इतने बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद मैं जिस जनपद में गया उस जनपद में मुझे अपनी बहनों का अपनी मातृशक्ति का सैलाब दिखा और सैलाब के साथ साथ एक चीज और दिखाई दी कि हर जनपद में एक से बढ़कर एक उत्पाद हमारी बहनों ने बनाए और इतने अच्छे उत्पाद। पहले तो मैं कुछ जगह पर सोचता था, मैंने पिछले साल जब सशक्त बहना मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जिस दिन हम प्रारंभ कर रहे थे तो राधिका जी भी थी हमारे साथ, गणेश जोशी जी भी थे, तो उस दिन मैं कह रहा था कि ये मल्टीनेशनल कंपनियों को कुछ एक हमारे बहनों के बनाए हुए जो उत्पाद हैं वो उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल करते हैं। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र कर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए कड़ी मेहनत कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी महिला समूह के लिए काम कर रही है। सीएम ने बताया कि 5 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। हमारी सरकार ने आज चाहे सशक्त बहना उत्सव योजना हो या मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजनाओं, इन दोनों योजनाओं ने राज्य की जो हमारी मातृशक्ति है उसके नए अवसर और नई शक्ति प्रदान की है। आज हमारी बहनें अपने सपनों को समाज कर साकार कर समाज को भी आज एक नई दिशा देने का काम कर रही है, जहां वो स्वयं का रोजगार स्थापित कर रही हैं वही अन्य लोगों को भी अन्य बहनों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं है, यह आपके भीतर जो छुपी हुई आपकी प्रतिभा है क्षमता है उसको पहचानने का और सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने का प्रयास भी है। उत्तराखंड में हमने महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो स्वयं सहायता समूह है स्थानीय उत्पादों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाने का लगातार प्रयास किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत 84 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग किया, ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 25 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की, 67,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ा गया है। धामी ने कहा कि महिला समूह की तरफ से तैयार स्थानीय उत्पादों को बिक्री के लिए राज्य स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पादों की मांग बढ़ रही है उससे पूरी उम्मीद है
कि आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। सीएम ने कहा कि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग, क्वालिटी और ब्रांडिंग पर फोकस किया जा रहा है। हमने महिला समूह के उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेंटर की स्थापना भी की है। उत्पादों के उत्पाद बनाना आसान होता है, बनाने के बाद उनको बाजार मिले, उनका विपणन हो, उसके लिए 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट एवं 17 सरस सेंटर भी आज संचालित हो रहे हैं। वहीं उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य स्तर पर रानी पोखरी, रायपुर, देहरादून में उत्तरा आउटलेट की स्थापना भी की गई है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्गों पर 110 अस्थायी आउटलेटों के माध्यम से महिला समूह की उत्पादों की बिक्री की जा रही है, जिसमें हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा मांग भी की जा रही है और लगातार उनका विपणन भी हो रहा है। और आप सभी जानते हैं, इसके साथ ही ये जो हमारे महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं उनको एक केंद्र मिले, उसके लिए हमने पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों जब वो देहरादून इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में आए थे तो हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड भी जो है उनके हाथों उसका उद्घाटन कराया गया था। और बहनों द्वारा जो बनाए जा रहे विभिन्न अब जो उत्पाद हैं वह विश्व के कोने कोनों में जाएंगे। अभी हमने शुरुआत की है, लेकिन शुरुआत करने से पहले ही ये राधिका जी बैठी हैं, बड़ी बड़ी मांग उसकी आ रही है, जगह जगह से लोग जो है मांग कर रहे हैं, कंपनी भी रजिस्टर्ड हो गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन बातों पर जोर दिया कि हाउस ऑफ हिमालयाज उत्पादों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा यह उम्मीद है कि उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों को भी इससे जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को भी काफी फायदा होगा और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पादों की पूर्ति पूरी की जाएगी। हमारी बहनें जो भी उत्पाद बनाती हैं उनके उत्पाद को बाजार में जगह मिले, यानी विपणन का अवसर मिले, बाजार में उसका अच्छा मूल्य मिले, उसकी अच्छी पहचान हो। इसलिए मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा, इस अवसर पर आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की अपनी बहनों को कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि आप हमारे विपणन के लिए पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं हिमालय ब्रांड का, उत्तराखंड के ब्रांड का लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। और अब हमारा ब्रांड ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई ब्रांड हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुणवत्ता जानते हैं ना आप सब लोग, गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना कर पाए, अरे वाह कहाँ से आया है जी, उत्तराखंड का ब्रांड है, हाउस ऑफ हिमालयाज का ब्रांड है, तो सोचे ही नहीं। अब इतना सारा जो हमारे यहाँ के स्थानीय उत्पाद है, मड़वा के, झुंझुनवा के, रामदाना के, और भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनते हैं उनकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि आने वाले समय में हमको उसकी पूर्ति करना भी बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हमने कहा है कि CEO बनाएंगे जो जितनी हमारी मांग होगी उतनी मांग के अनुरूप हमारे किसान भाइयों को भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे, जिससे कि किसान भाई भी जो है अपना उत्पादन उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका है। मातृशक्ति उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जिससे देश और दुनिया में उत्तराखंड की मातृशक्ति की अलग पहचान बन रही है। बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और विकास और उन्नति की इस यात्रा में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी की मेहनत और समर्पण के कारण ही हम एक ऐसे प्रदेश के रूप में आज अपनी पहचान बना रहे हैं जहां की मातृशक्ति उद्यमिता के क्षेत्र में अलग अपनी एक पहचान बना रही है। और राज्य आगे बढ़ रहा है, विकास भी आगे बढ़ रहा है, गति आगे बढ़ रही है, प्रगति हो रही है, साथ साथ आप सबकी पहचान भी पूरे देश और दुनिया के अंदर स्थापित हो रही है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति हर चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने साथ साथ राज्य को भी आगे बढ़ा रही है।
रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रदेश की माताओं बहनों से वादा किया कि सरकार हर मौके पर उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। उन्होंने कहा कि जब घर में आमदनी बढ़ती है तो परिवार में इज्जत बढ़ती है, लिहाजा सरकार चाहती है कि प्रदेश की सभी महिलाएं इज्जत के साथ जिंदगी जिएं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सबको आज इस अवसर पर एक वचन देना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति हो, आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। राज्य की सरकार हर वो काम करेगी जो हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होगा। और गणेश जोशी जी ऐसा कह रहे थे कि जो है वास्तव में देखिए, जब आपने फर्क स्वयं महसूस किया होगा, जब आप अपना उत्पादन करने लग रही हैं, उत्पाद बनाने लग रही हैं, कौशल के जरिए आप नई नई चीजें कर रही हैं, नवाचार कर रही हैं और पैसे गिनने लग रही हैं, तो घर में भी जो है परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। हर स्तर पर आपको परिवर्तन दिखाई देगा, चाहे घर की सास हो, चाहे घर की ननद हो, चाहे घर के जेठ हो, देवरानी हो या पतिदेव हो, वो सबके सामने जो है एक इज्जत आपकी बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि वो इज्जत आपकी और बढ़ती जाए। मुख्यमंत्री महिला सहायता समूह 2,30,00,000 रुपए की राशि स्वीकृति के साथ ही महिलाओं के लिए संचालित कई योजनाओं के लिए 19,00,00,000 की राशि को स्वीकृति दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।